हेलो बच्चों, आज का हमारा वो फोर्थ टॉपिक जो रह गया था आवेश के गुणधर्म, उसका फोर्थ टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश संरक्षण तक आपने पिछली वीडियो में देख लिया था, ये टॉपिक और है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण। इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप क्वांटीकरण को समझो कि क्या होता है। जैसे बच्चों, हमने कांच की छड़ थी हमारे पास, इसको हमने बच्चों रेशम के कपड़े से रगड़ा था, तो क्या हुआ था? घर्षण विद्युत में पढ़ा था ना आपने, घर्षण विद्युत। कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से जब रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और रेशम के कपड़े में आ जाते हैं। यही होता है, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, इसका कार्यफलन कम होता है और रेशम के कपड़े का ज्यादा होता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम के कपड़े में जाएंगे, तो ये धनावेशित हो जाता है और ये ऋणावेशित हो जाता है। तो बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर एक इलेक्ट्रॉन जाता है, कितना इलेक्ट्रॉन जाता है? एक, तो इस पर कितना प्लस चार्ज आएगा? प्लस ई। एक इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस ई चार्ज आ जाएगा, इसके पास पहुंच गया तो इस पर आ जाएगा माइनस ई। अगर मैं कहता हूं एक की जगह दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो आप कहोगे फिर प्लस टू ई, माइनस टू ई आवेश आ जाएगा। अगर तीन जाएंगे तो प्लस थ्री ई इधर आएगा, कांच की छड़ पर रेशम के कपड़े पर तीन इलेक्ट्रॉन आ गए तो माइनस थ्री ई आ जाएगा। अगर मैं बच्चों एक कॉमन बात करूं, एन इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन? एन इलेक्ट्रॉन, तो कितना आवेश आएगा कांच की छड़ पर? प्लस एन ई, और रेशम के कपड़े पर कितना आएगा? माइनस एन ई। इतनी बात क्लियर है? अगर n इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकलकर रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन? n इलेक्ट्रॉन, तो इस पर आवेश आएगा प्लस Ne, इस पर आवेश आएगा माइनस Ne। तो बच्चों, इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर मैं किसी वस्तु पर आवेश का सूत्र लिखूं तो मैं लिख सकता हूं बच्चों क्यू बराबर प्लस माइनस Ne। किसी वस्तु पर अगर मैं आवेश का सूत्र लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? Q बराबर प्लस माइनस एनी। मतलब किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश E के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। किसी भी वस्तु पर आवेश Q, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का परिमाण होता है E, उसके पूर्ण गुणज के रूप में होता है। या तो 1e, 2e, 5e, 1000e, 2000e, ऐसा आवेश किसी भी वस्तु पर प्राप्त हो सकता है। इसे ही जो हम मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है, इसे ही हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ये आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। तो समझ के बाद बच्चों कि वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉनों के कारण ही आता है, या तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है या वृद्धि, तो या तो प्लस आवेश आता है या माइनस आवेश आता है, और जो आवेश होता है वो ई के पूर्ण गुणांक के रूप में होता है। इसे ही हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इससे ये पता चलता है, अगर मैं आपसे बोलूं किसी वस्तु पर 2e आवेश आ सकता है, आप बोलोगे सर आ सकता है, 3e आ सकता है, आ सकता है, 4e आ सकता है, आ सकता है, ये पॉसिबल वैल्यूज, ये चार्ज पॉसिबल है। लेकिन मैं कहता हूं कि क्या किसी इलेक्ट्रॉन पर 1.5e आवेश आ सकता है, आप कहोगे सर नहीं आ सकता है। मैं कहता हूं अगर 0.5e आ सकता है, आप कहोगे नहीं आ सकता है। मैं कहता हूं 4/3e आ सकता है, आप कहोगे नहीं आ सकता है। ये नॉट पॉसिबल चार्जेस, ये पॉसिबल नहीं है। अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है, हम इस पर विषय पर बात करेंगे। तो पॉसिबल देख लो, पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, तो पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन का आवेश आएगा वस्तु पर। अब इसमें क्या हुआ देखो, 1.5 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन तो पूरा और आधा, एक आधा इलेक्ट्रॉन। अब आधा इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को तोड़ना पड़ेगा, अगर ये आवेश लाना है तो एक तो पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा और एक आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा। आधा इलेक्ट्रॉन संभव है क्या? इलेक्ट्रॉन को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, ये अभी तक प्राप्त सबसे सूक्ष्म कण है, इससे छोटा कण इस दुनिया में अभी तक खोजा नहीं गया, तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ ही नहीं सकते। जब आप तोड़ ही नहीं सकते तो आधा इलेक्ट्रॉन कहां से लाओगे? ला ही नहीं सकते।
जवाब आधा इलेक्ट्रॉन नहीं ला सकते, तो ऐसे आवेश जो पूर्णांक में ना होकर भिन्नों में होते हैं या दशमलव में होते हैं ई के साथ, वह आवेश वस्तु पर पॉसिबल नहीं होता है। आवेश पूरा पूर्ण गुणांक के रूप में ही होगा एम ई, अन्यथा ऐसे आवेश पॉसिबल नहीं होंगे। इसी का ये पूरा आपका आवेश का क्वांटीकरण है। तो क्लियर है, आवेश पूरे इलेक्ट्रॉनों के रूप में आता है, इलेक्ट्रॉनों में भिन्नात्मक रूप में या दशमलव के रूप में कभी भी आवेश किसी वस्तु पर नहीं आएगा, ये हमारा है। अब एक आता है कि आवेश का क्वांटा क्या होता है, इसको आप अच्छी तरह समझ लेना, क्वांटीकरण आपके समझ में आ जाएगा कि आवेश पूरे इलेक्ट्रॉनों के रूप में आता है। सीधी सी बात है। अब इसके बाद आएगा बच्चों एक टॉपिक, आवेश का क्वांटा। अब आवेश का क्वांटा क्या होता है कि वह सूक्ष्मतम आवेश, सबसे छोटा आवेश जिसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सके, समझे बात, वह सूक्ष्मतम आवेश, सबसे छोटा आवेश जिसे आप एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हो, कांच की छड़ से रेशम के टुकड़े में डाल सकते हो, उसे कहते हैं आवेश का क्वांटा। तो बच्चों क्या होगा क्वांटा, सबसे छोटा आवेश क्या हो सकता है, ई, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का आवेश। अब प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी, अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो प्लस और आता है तो माइनस, पर सबसे छोटा आवेश किसी वस्तु पर क्या आ सकता है, ई आ सकता है। इस ई को ही हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटा। इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1.6032 × 10⁻¹¹। आप चाहो तो इसको सिर्फ इतना भी याद कर सकते हो, इतनी बड़ी वैल्यू ना याद करके 1.6 × 10⁻¹¹ कूलम याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये आवेश का क्वांटा होता है जो ई होता है, ये सबसे छोटा आवेश है जो हम किसी वस्तु को प्रदान कर सकते हैं, इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटा। तो एक तो आवेश का क्वांटीकरण क्यू बराबर एन ई, और सबसे छोटा आवेश ई जो वस्तु से दूसरी वस्तु में जा सकता है, इसे कहते हैं आवेश का क्वांटा। इसके बाद कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। पहला तो यह पूछा जाता है कि यह आवेश का क्वांटीकरण कैसे बताया और कैसे सिद्ध हुआ, तो मिलिकन ने एक प्रयोग किया था, तेल बूंद प्रयोग। इसने तेल बूंद प्रयोग के आधार पर यह सिद्ध किया था कि आवेश क्वांटीकृत होता है। तो इसने इसमें बहुत सारी तेल की बूंदें ली थी, उन पर आवेश निकाले थे, और आवेश निकाल के ये सिद्ध किया था कि आवेश वस्तु पर क्यू बराबर एन ई के रूप में ही होता है, ठीक है। इसने बहुत सारी ऑयल ड्रॉप्स लेनी छोटी छोटी, अब इन पर कैलकुलेशन कर आवेश निकाले, इस पर क्यू वन आवेश, इस पर क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर, क्यू फाइव। अब इन आवेशों का मान जब इसने देखा तो इसने ये सिद्ध किया कि सभी बूंदों पर आवेश इस रूप में आ रहा है एन ई के रूप में। तो यहां से इसने आवेश के क्वांटीकरण को मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग करके उससे सिद्ध किया था। एक साइंटिस्ट है गैलमान। अब गैलमान एक साइंटिस्ट है, इसने अभी सैद्धांतिक रूप से बताया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे कण होते हैं, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये अभी तक प्रकृति के सबसे छोटे कण हैं, पर गैलमान ने बताया इससे भी छोटे कण हैं, उनको बोला है उसने क्वार्क कण, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इनसे भी बहुत छोटे कण हैं, उनका नाम अभी क्या बोला गया है, क्वार्क कण। और इसने कहा है प्रोटॉन जो है ये क्वार्क कण से ही बनता है, और न्यूट्रॉन जो है वो भी क्वार्क कण से ही बनता है। और ये बताया है कि क्वार्क कण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अप क्वार्क, एक होता है डाउन। इसको यू क्वार्क बोलते हैं, अप क्वार्क को यू क्वार्क और डाउन क्वार्क को डी क्वार्क। यू क्वार्क पर इसने आवेश बताया है +2/3e, और इस पर बताया है -1/3e, ये इस पर आवेश है। अब जरा आप देखो यहां पर क्या आवेश के क्वांटीकरण को दिखाई दे रहा है आपको, यहां आवेश का क्वांटीकरण नहीं दिखाई देगा, ये तो लग रहा है मैं भिन्न में आ गया, भिन्नात्मक रूप से आ गया ही, ठीक है। तो ये पॉसिबल अभी तक तो नहीं है, लेकिन इसको सैद्धांतिक रूप से बताया है, अभी इसका प्रयोग नहीं किया उसने,
जब इसका प्रयोग करके इसको सिद्ध कर दिया जाएगा कि हाँ ये कण होते हैं, तो फिर आवेश के क्वांटीकरण को हम कुछ और पढ़ेंगे। अभी तो हम ई के पूर्ण गुणांक के रूप में पढ़ते हैं, क्यू बराबर एन ई, किसी भी वस्तु पर आवेश एन ई होता है, पर यहाँ पे नहीं है एन ई, यहाँ पे तो भिन्न में आ गया, पॉइंट में आ गया, यहाँ पे भी वही हो रहा है, पर ये कण अभी प्रकृति में व्याप्त है या नहीं इसकी प्रायोगिक पुष्टि नहीं हुई है, इसको सैद्धांतिक रूप से बताया गया है केवल। तो जब इसकी प्रायोगिक पुष्टि हो जाएगी तब हम इसको उसमें ऐड करेंगे क्वांटीकरण में, तब ये छोटे आवेश हो जाएंगे। अभी तक तो ये छोटा आवेश है E, लेकिन ये तो इससे भी छोटे हो गए, लेकिन अभी इनकी प्रायोगिक पुष्टि नहीं हुई। जब इनकी प्रायोगिक पुष्टि हो जाएगी तब हम इनको इस क्वांटीकरण में ऐड कर लेंगे। तो एक टॉपिक है, अभी गेलमान की रिसर्च चल रही है, अभी पूरे वर्ल्ड में इसकी रिसर्च चल रही है, इससे छोटे पार्टिकल्स को खोजा जा रहा है, जिसे गॉड पार्टिकल भी बोला जा रहा है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये बच्चों आपका आज का टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण। अगली वीडियो में हम कूलॉम के नियम के बारे में पढ़ेंगे।